नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल सिख संबंधों के बारे में और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे सिख धर्म की प्रमुख जानकारियां। तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि सिखों के 10 गुरु थे। मैं शुरुआत में इनके नाम ले देता हूँ। पहले गुरु हुए इनके गुरु नानक देव। इनका जो जन्म है वो 1496 से 1539 ईस्वी तक है। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास जी, पांचवे गुरु अर्जुन देव जी, छठे गुरु हैं इनके गुरु हरगोविंद सिंह जी, सातवें गुरु के नाम में हैं गुरु हर राय जी, आठवें गुरु गुरु हरि किशन जी, नौवें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी हैं और अंतिम और दसवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस प्रकार से 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से हमारे पास 10 गुरु प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं पृथक पृथक गुरुओं के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर गुरु नानक देव जी के बारे में, तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में ननकाना साहेब वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो कालू मेहता और माँ का नाम तृप्ता श्री था। श्रीचंद और लक्ष्मीदास उनके संत थे। अगर बात करें ननकाना साहेब का तो इसका पूर्व का नाम तलवंडी था। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। सिख का अर्थ होता है सीखना। गुरु नानक जो है बाबर और हुमायूं के समकालिक थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान हासिल हुआ। गुरु नानक ने संगत, जिसको कहा है धर्मशाला, पंगत, साथ बैठकर भोजन करने वाली व्यवस्था एवं गुरु नानक का एक लंगर है जिसे निशुल्क सहभागी भोजन करना कहते हैं की शुरुआत की थी। तो गुरु नानक ने संगत, पंगत और लंगर की शुरुआत की थी। अनेक स्थानों पर गुरु नानक द्वारा पंगत व लंगर स्थापित किए गए। इससे गुरु नानक व उनके अनुयायियों को प्रतिदिन एक स्थान पर मिलने व आपस में विचार विमर्श करने का मौका मिलता था। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। इसके बाद गुरुपद की पदवी पर गुरु अंगद देव विराजित हुए और सिखों के दूसरे गुरु अंगद, इनका प्रारंभिक नाम जो है वो लहना मिलता है, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। इनके पश्चात गुरु अमरदास गुरुपद पर आसीन हुए। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने सिख धर्म को हिंदू धर्म से पृथक बनाने हेतु कार्य किए। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति लवण की सिखों के बीच में प्रचलित करवाया। तो इनकी जो विवाह पद्धति होती है उसको कहते हैं लवण। गुरु अमरदास से सम्राट अकबर गोविंदवाला के समीप आकर मिले और वहां पर जो गुरु की पुत्री है बीबी भानो को एक गांव भेंट किया। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत नियुक्त किया। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास हैं। इनकी बीवी गुरु अमरदास की पुत्री थी जिनका नाम बीबी भानो था। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानो को 500 बीघा जमीन भेंट की। इस भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर सरोवर नामक जलाशय खुदवाया और आगे चलकर यहीं पर अमृतसर नगर बसाया गया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा और गुरुपद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु हुए। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की जिससे गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं व भक्ति गीतों का संकलन है। गुरु अर्जुन देव ने 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक एक शहर बसाया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि अमृतसर नगर जो है वो गुरु रामदास के समय काल में बसा था और अमृतसर नगर में जो एक सरोवर था जिसे अमृत सरोवर तालाब कहते हैं, उसमें हरमिंदर साहब की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। जो राजकुमार खुसरो हैं वो जहांगीर के पुत्र थे। अगले इनके बाद गुरु बने गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु हुए। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त तथा ईश्वर के सिद्धांत का निर्माण करवाया। उन्होंने स्वयं को शस्त्र, छत्र आदि राज चिन्हों से सुशोभित किया। गुरु हरगोविंद स्वयं को तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और अपने दरबार में इन्होंने नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी।
गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी। गुरु हरगोविंद के पश्चात गुरु हर राय सिखों के सातवें गुरु बने। इनसे मिलने दारा शिको आया था, जिसे इन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। दारा शिको औरंगजेब का भाई है। गुरु हरिकिशन जो हैं इसके बाद गद्दी पर बैठेंगे और सिखों के आठवें गुरु कहलाएंगे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु हरिकिशन को औरंगजेब ने दिल्ली बुलवाकर इनसे गुरुपद के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जो हैं वो गुरुओं के नौवें गुरु के रूप में जाने जाएंगे। और गुरु हरिकृष्ण के पुत्र जो गुरु तेग बहादुर हैं ने औरंगजेब की हिंदू विधियों नीतियों का विरोध भी किया था। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिस पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के पास ही मरवा दिया था। इसके बाद दसवें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। उन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को ही खालसा कहा जाता था। तो याद रखिएगा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये सिखों के दसवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को नवीन रूप प्रदान किया और व्यवस्थित भी किया। अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ऐसा इन्होंने कहा। गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्येक सिख के लिए 5 कंकार अनिवार्य कर दिए और सभी को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का आदेश दिया। अगर बात करें कि सिखों को 5 ककार कौन से हैं, तो प्रत्येक सिख को कंघा, केश, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने का आदेश है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो है वो आनंदपुर साहिब और उनकी कार्यस्थली जो थी वो पावता थी। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोजावर सिंह। परंतु सिरहिंद के मुगल फौजदार वाजिर खान ने इन दोनों को दीवारों में चुनवा दिया था। 1708 ईस्वी में नादेड़ा नामक स्थान पर गुलखा नामक एक पठान ने छुरा मारकर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। इसके अलावा एक और सिख हमारे सामने आते हैं, जो हैं बंदा बहादुर। अब बात कर लेते हैं बंदा बहादुर। ये गुरुओं से हटकर एक व्यक्ति हैं। बंदे बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजोरा गांव में हुआ था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भरद्वाज था, जो राजपूत थे। बंदा बहादुर ने मुगलों से टक्कर ली थी। इसका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना था। बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को अपने उद्देश्य हेतु राजधानी भी बनाया था। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए थे। इस व्यक्ति ने मुगल फौजदार वाजिर खां की हत्या कर दी थी। ये वाजिर खां वही हैं जिसने फतेह सिंह और जोजावर सिंह को दीवार में चुनवाया था। कतलागढ़ी नाम से विख्यात शहादरा में बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को कत्लेआम कर दिया था। 1716 की बात करें तो मुगल बादशाह फारूक शेर ने गुरुदासपुर के नागल नामक स्थान पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। बंदा सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख कई टुकड़ों में बट गए थे। इसके बाद अगर बात करें, एक और नाम आता है, नवाब कपूर सिंह। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा रह गया था। अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है मिसल, जो सिखों से संबंधित है। मिसल क्या होता है? तो बाद में जितने भी दल थे जिनको मन खालसा कहते हैं, तो ये खालसा दल 12 दलों में विभक्त हो गए, जिन्हें मिसल कहा गया है। अरबी भाषा में जो शब्द है मिसल, इसका अर्थ होता है बराबर के लोगों का संगठन। तो इस प्रकार से मिसल जो है, हमारे पास 12 मिसलें हैं। और इन 12 मिसलों का नाम अगर मैं आपको बताऊं, तो सिखों की ये 12 मिसलें अलग अलग संस्थापकों द्वारा बनाई गई हैं। 1760 ईस्वी के बाद से पंजाब में मिसलों का प्रभाव बढ़ने लगा, जबकि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मिसलें विघटित होने लग गई थी। जैसे हमारे पास सिहरपुरिया मिसल है, कपूर सिंह ने इसको स्थापित किया है। आलूवालिया मिसल, जस्सा और आलूवालिया ने इसको स्थापित किया। रामगढ़ मिसल, जस्सा सिंह और रामगढ़िया मिसल कहलाती है। कन्हैया मिसल जय सिंह ने स्थापित करी। फुलकिया मिसल फूल सिंह ने। भंगी मिसल हरी सिंह ने। सुकरचकिया मिसल चरत सिंह ने। ये सुकरचकिया मिसल जो है ये महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित है, याद रखिएगा सुकरचकिया। निशान वालिया मिसल सरदार भगत सिंह से, ये सदा दूसरे वाले हैं। करोड़ सिंधिया मिसल भुगेल सिंह से। उले वालिया मिसल गुलाब सिंह से। नकाई मिसल हीरा सिंह इसके संस्थापक हैं। और शहीदा मिसल बाबा
दीप सिंह इसके संस्थापक थे। अब बात निकली थी सुकर चकिया मिसल की, जिसको चरत सिंह ने स्थापित किया था, तो इसी मिसल के थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध आपको पता चल ही गया है कि सुकर चकिया मिसल से था। रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 2 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरवारा नामक एक स्थान था, सुकर चकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या है, महा सिंह। रणजीत सिंह के दादा जो थे चतर सिंह थे, इन्होंने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान भी दिलवाया था। 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह ने रावी और चिनाब प्रदेशों का प्रशासन का कार्यभार भी संभाला। 1798 से 99 में जब हमारे टीपू सुल्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय उत्तर में क्या हो रहा था, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बनाया तथा उन्हें राजा की उपाधि भी प्रदान कर दी। 1799 में जब साउथ में हमारे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उसी दौरान उत्तर में रणजीत सिंह ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था। 1804 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कागड़ा और डोगर सरदार जो हमारे संसार चंद कटोच को परास्त कर दिया और होशियारपुर पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब बात करें अगर 1805 ईस्वी में, तो रणजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस वक्त तक रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। रणजीत सिंह ने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को भी युद्ध में परास्त किया था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा, जिसको आप जानते हैं शाह अहमद अब्दाली का पुत्र के रूप में, तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। याद रखिएगा, अफगानिस्तान का जो शासक था शाह शुजा, उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह की राजनीतिक जो राजधानी थी वो लाहौर थी, जबकि अमृतसर को वो अपनी धार्मिक राजधानी मानते थे। 1808 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 में इन्होंने पेशावर पर भी अपना अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह साम्राज्य में काफ़ी बढ़ गए थे। रणजीत सिंह का साम्राज्य चार तरफ या चार सूबों में बंटा था, जैसे पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये चार इनके बहुत बड़े बड़े सूबे हुए। फकीर अजीमुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था, जिसका दीनानाथ उसका वित्त मंत्री था। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं को खालसा सेवक मानते थे। उन्होंने अपनी सरकार का नाम भी खालसा पर ही रखा था, सरकार एक खालसा जी। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के प्रचलित करवाए थे। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि के अनुसार सतलज नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार हुआ। 7 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का राज्य चार सूबों, जिसको प्रांत कहा गया है, उनमें बंटा था। प्रत्येक प्रांत एक नजीम के अधीन था, प्रत्येक जिला एक करादार के अधीन होता था। जैसे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करें तो खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी थे, उसके बाद नोनीहाल सिंह, फिर उसके बाद शेर सिंह और अंतिम रूप से दिलीप सिंह। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम पंचायत थी। लगान उपज का 2/5 भाग से लेकर 1/3 भाग तक भी लिया जाता था। अगर फ्रांसीसी यात्री विक्टर जेमकॉट की बात करें तो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी इन्होंने। रणजीत सिंह ने अपनी पैदल सेना को फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी एलॉर्क और वेचूरी के नेतृत्व में सौंप दिया था। रणजीत सिंह को सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार थे, एक घुड़चढ़ खास और एक मिसलदार। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में प्रसिद्ध स्वर्ण गुंबद की स्थापना करवाई थी। अब अगर अंतिम दौर में अगर बात करें कि सिखों के और अंग्रेजों के बीच में किस प्रकार के युद्ध हुए, तो हम यहाँ पे 2 प्रकार के युद्ध देखते हैं, जिसको हम आंग्ल सिख युद्धों के नाम से जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1845 से 46 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 5 युद्ध लड़े गए थे, जैसे बुधक्की का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बंधोवाला का युद्ध, अलीवर का युद्ध और रुबराओं की लड़ाई। 10 फरवरी 1846 को लड़ी गई रुबराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार जो हुई, इसके फलस्वरूप अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य में 2 संधियां हुई। पहली हुई लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में और दूसरी हुई भोरवाल की संधि। भोरवाल की संधि जो थी वो 22 दिसंबर 1846 में हुई थी। लाहौर की संधि के अनुसार अंग्रेजी जो सेना थी वो दिसंबर 1846 तक पंजाब से वापस चली जाना था, पर ऐसा हुआ नहीं। 22 दिसंबर 1846 को लॉर्ड हार्डिंग ने सामंतों को प्रलोभन देकर राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु
अंग्रेजी सेना को पंजाब में ही रहने देने की संबंधित भोरवाल संधि कर दी। बाद में 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा और राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये की वार्षिक पेंशन पर शेरापुर रवाना कर दिया गया। इसके बाद ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है। फिर दो तीन साल निकलते हैं और 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की नौबत आ जाती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो मुल्तान का विद्रोह ही कहा जाता है। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई 13 जनवरी 1849 ईस्वी को सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज सैनिक कमांडर गफ के मध्य चलियानवाला का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। फिर लॉर्ड हार्डिंग ने चार्ल्स नेपियर के सेनाध्यक्ष बनाकर दूसरी लड़ाई के लिए भेजा, और जैसा 13 जनवरी को हुई थी वो पहली फाइट, दूसरी फाइट 21 फरवरी 1849 को गुजरात के चिनाब के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ी गई और सिख बुरी तरह इसमें पराजित हुए। सिखों ने अंग्रेजों के सामने जो था आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च की बात है, 21 फरवरी से 29 मार्च पर आ जाएंगे। 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो डलहौजी ने विलय नीति के तहत इसको भी विलय कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को जो था लगभग 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिखों से अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ और इस हीरे को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इस प्रकार से भारत और सिखों के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त करी, आंग्ल सिख युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जो सामान्य जानकारियाँ आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वे सभी इस वीडियो के माध्यम से संकलित करने का प्रयास किया गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सूर्यवंशी एकेडमी का इस यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।